नमस्कार, मैं हूँ मीता पंडित और आज मैं आपको अपने सांगीतिक सफ़र में अपने साथ ले जाऊँगी। मेरी बड़ी खुशनसीबी रही कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो कि मानो संगीत की गंगोत्री कहलाती है। ऐसे ऐसे दिग्गजों का मुझे गाना सुनने का मौका मिला, ऐसे ऐसे दिग्गजों ने मुझे खिलाया है, क्रेडल किया है कि आज जब मैं सोचती हूँ तो बिल्कुल बहुत ही अपने आप को धनी पाती हूँ कि ये मुझे मौका मिला कि ऐसे ऐसे दिग्गजों के शरण में और इतने दिग्गजों के से इतनी क्लोजनेस हमारी थी। मेरे दादाजी पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी, उनसे मुझे छुटपन से ही सीखने का मौका मिला, उनके साथ उनकी बातें सुनने का मौका मिला, उनके शिष्यों को सुनने का मौका मिला और इसके अलावा अपने पिताजी से तालीम, पिताजी मेरे पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी, उन्होंने मुझे संगीत में छुटपन से ही जो है तालीम शुरू की। अब तालीम की बात ऐसी है कि एक तो है कि शिष्य जो है गुरु के चरण में बैठ के उनके साथ आमने सामने जो है ये तालीम होती है, पर इसके अलावा भी जो है जो घर का माहौल था वो संपूर्ण रूप से संगीतमय माहौल था। तो घर में हमेशा शिष्यों का आना जाना, अपने पूज्य पिताजी का रियाज सुनना, उनके साथ मुझे तानपुरे पे बिठाते थे। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पिताजी हमें कहते थे कि उनके रियाज के समय मुझे बुला लेते थे और फिर मैं उनका तानपुरा बजाती थी जबकि वे रियाज करते थे। और इसके अलावा हम बहुत हमारा आना जाना रहता था ग्वालियर में, और ग्वालियर में जाते ही जो पूर्ण संगीतमय परिवार तो है ही, और उस परिवार में केवल हमारे घर के ही सदस्य नहीं हैं, पंडित परिवार के सदस्य नहीं हैं, पर इसके अलावा जो संपूर्ण शिष्य परंपरा है, जो सारे शिष्य वर्ग हैं, वो भी हमारा परिवार ही है। वहाँ पर ग्वालियर में शंकर गांधर्व महाविद्यालय जो कि कंपू पे स्थित है, वहाँ पर भी हमेशा गुरुवार की महफिल में गाते थे, जो कि गुरुवार की महफिल सन 1914 से चल रही है, तो तब से वो गुरुवार की महफिल वो होती है। तो जब भी हम गुरुवार को वहाँ होते थे तो हमारा गाना होता था और तमाम जो संगीत रसिक हैं ग्वालियर के वो वहाँ पे आते हैं और उसको गाना सुनते हैं। तो ऐसे जो है छुटपन से ही जो है सीखने का और अच्छे अच्छे लोगों के सामने हम गाते थे। और हमारे पिताजी हमें कॉन्सर्ट्स में ले जाते थे, कार्यक्रमों में अन्य कलाकारों के, तो बहुत अच्छा लगता था हमें वो माहौल देख के, वो कलाकारों से मिलके, और संगीत से बहुत प्रेम था। इसके अलावा मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली में ही की है, सेंट मैरी स्कूल में। वो करने के बाद आई वॉज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट और उसके बाद फिर लेडी श्रीराम कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, बी कॉम ऑनर्स में कर रही थी। और कॉमर्स मुझे अच्छा लगता है तो मैं सोच रही थी कि कुछ संगीत तो है ही, पर इसके अलावा भी कुछ शायद MBA कर सकती थी, ऐसा मुझे मेरा मन था उसमें। हमारे जब हम छोटे थे तब हमारा जो रियाज है, रियाज के समय हमारी जो मदर हैं उन्होंने बहुत हमें इस डिसिप्लिन में डाला कि हम रियाज में समय दें और एक नियमितता से रियाज करें। उसके लिए वे स्वयं बैठती थी तबले पे और ठेका देती थी। इनफैक्ट जो पहला ताल मैंने सीखा 3 ताल के बाद वो था तिलवाड़ा, और वो हमारी मदर साथ में बैठती थी और वो तबला बजाती थी और हमारा घंटों रियाज चलता रहता था उस पे। तो स्कूल के टाइम पे हमारा बहुत बहुत सीखा, हम सीखने के समय हम तीनों भाई बहन जो हैं, तुषार मेरे सबसे बड़े भाई, उसके बाद अतुल और फिर मैं, हम तीनों ने एक साथ सीखा। हम 5वें काले पे पिताजी सिखाते थे
और सीखना, रियाज करना, कॉन्सर्ट्स पे जाना, अपने गुरु भाइयों को सुनना, ये सब जो है एक अपब्रिंगिंग का एक पार्ट, हमारे अपब्रिंगिंग का ही एक रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा था। तो इसीलिए बगैर संगीत कुछ इमेजिन करना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, उसको तो अब मैं सोच ही नहीं सकती कि बगैर संगीत के बहुत खाली होती है हमारी ज़िंदगी अदरवाइज। तो बी कॉम ऑनर्स मैं जब डीजी श्रीराम में कर रही थी, तब जब मैं थर्ड ईयर में थी, तब हमारे सबसे बड़े भाई तुषार, ही मेट विथ अ वेरी अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट और वो नहीं रहे इस दुनिया में। तुषार बहुत अच्छा गाते थे और एक बड़े अच्छे विजनरी थे, जो कि परंपरा के उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने में एक बहुत सक्षम शिष्य के रूप में उभर रहे थे। और उस समय पे हम क्योंकि अपने तीसरे साल में थे डीजी श्रीराम के, और एक डिसीजन लेना था कि आगे क्या करना है, तो तब हमने पिताजी से इजाज़त ली कि हम संगीत में ही करना चाहते हैं आगे का, और जिसका मतलब सिर्फ कार्यक्रम देना, अपना रियाज करना यही नहीं था, पर इसका मतलब ये भी था कि हम एकेडमिकली भी उसको करना चाहते थे। दरअसल तुषार जो है वो पीएचडी कर रहे थे उस समय पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उनका जो विषय था वो था ग्वालियर के पंडित परिवार का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में योगदान, इस विषय पर वे कर रहे थे। तो हमें उस समय पे यही अप्रोप्रिएट लगा कि हम इस विषय को, उनके पीएचडी को हम कंप्लीट करें, इसको पूर्ण करें। तो हमने फिर पीएचडी की संगीत में, हमारे बीकॉम के साथ ही हमने बीए भी कर लिया था प्राइवेटली संगीत में, और उसके बाद एमए किया हमने, और उसके बाद फिर पीएचडी के लिए एनरोल किया, और पीएचडी को हमने द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित्स ऑफ ग्वालियर टू हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इस विषय पर हमने अपनी कंप्लीट की पीएचडी। और ईश्वर की कृपा के वजह से जो है कार्यक्रमों का सिलसिला जारी हो चुका था और वो बढ़ रहा था, तो हम उस फ्लो में आकर फ्रीलांसिंग में हम आ गए, और बहुत एंजॉय करते हैं हम फ्रीलांसिंग करना। आज भी मैं फ्रीलांसर हूँ, कुछ अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हमें इंटरेस्ट करते हैं वो भी करते हैं, पर बेसिकली आई एम अ फ्रीलांसिंग स्पिरिट, मेरे लिए वो अच्छा काम करता है। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे मंचों पर कार्यक्रम देने का मौका मिला, बहुत प्रेम मिला है संगीत रसिकों से, संगीत श्रोताओं से, कलाकारों से आशीर्वाद मिला है, और एक एक कोशिश है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया अपने संगीत में डालते जाएं, क्योंकि संगीत एक ऐसा है कि उसमें नवीनता, उसमें फ्रेशनेस होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे किसी भी परंपरा को फॉलो करते हों, घराने को फॉलो करते हों, परंतु संगीत को जो है एक उसमें अपनी सोच उसमें लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप केवल अपने गुरु का सिर्फ अनुसरण नहीं कर सकते, उसमें आपकी स्वयं की क्या कंट्रीब्यूशन है, आपकी क्या सोच है, क्या क्रिएटिविटी है, क्या आप विजुअलाइज करते हैं उस राग को, उसके चलन को, और उसको किस प्रकार से आप रख सकते हैं, ये बहुत मुझे लगता है कि इन चीज़ों में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है, और मैं सतत ये प्रयत्न करती हूँ कि किस प्रकार से अपनी गायकी में और खूबसूरती लाऊं और रस लाऊं। कार्यक्रमों के अलावा मैं कुछ संगीत के छात्रों को सिखाती हूँ, वो ऐसे हैं जो कि आ, आ,
स्वाय कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्वांत सुखाय के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको प्रोफेशन के रूप में कर रहे हैं, किन लोग कोई लोग इसीलिए भी करते हैं क्योंकि उनको बहुत प्रेम है संगीत से और उसको वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उससे उनको उनके पर्सनालिटी में एक 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 बढ़ोतरी होती है, एक बहुत सब्सटैंशियल बढ़ोतरी होती है, इसीलिए संगीत उनके जीवन का उनका हिस्सा है। तो मैं सिखाती भी हूँ कुछ, तकरीबन 5 से 10 छात्र किसी भी समय पे मेरे पास होते हैं जिनको मैं सिखाती हूँ। और मेरा इस विषय पर भी बहुत इंटरेस्ट रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को हम किस प्रकार से और फैलाएं, अपने आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी तरफ कैसे पहुंचाएं। और इसके लिए मुझे कुछ अच्छे मौके मिले हैं। एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो होता था सुबह सवेरे, तो उस पर मैं सुनहरे पल ये कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी, जिसमें कि जो फिल्मी गाने शास्त्रीय संगीत और रागों पर आधारित हैं उनके बारे में मैं उनको दिखाते थे, उसको गाती थी मैं और उस राग के बारे में मैं बताती थी। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल माध्यम रहा जन तक पहुंचने का। और इसका प्रमाण मुझे इसलिए भी मिला क्योंकि हमें बहुत चिट्ठियां आती थी उसके एप्रिसिएशन में, उसके उसको कार्यक्रम को सराहते हुए, और बहुत अच्छा लगता था। एक चिट्ठी मुझे याद है कि एक आई थी बिहार से आई थी, और एक जगह है चंपारण, वहाँ से आई थी ये चिट्ठी, और उसमें लिखा था कि जैसे मधुबन में राधिका नाचे रे, हम सभी इस गाने को जानते हैं, कि ये राग हमीर पर आधारित है ये वो कभी नहीं सोच सकते थे। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि फिल्मी गाने रागों पर भी आधारित हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें ऑब्वियस होती हैं पर उन ऑब्वियस को भी कभी कभी बताने की ज़रूरत होती है। तो ये जो टेलीविज़न का माध्यम था उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहा। उसके बाद मुझे एक और एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी बात को आगे रखने की, और वो थी वर्ल्ड स्पेस रेडियो। वर्ल्ड स्पेस रेडियो एक ऐसा प्राइवेट चैनल था जो कि दुनिया के हर प्रकार के संगीत को प्रसारित करता था अपने अलग अलग चैनल्स के द्वारा 2400 घंटे, और भारत में वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत उनको सब्सक्रिप्शंस मिली, बहुत उसमें बहुत अच्छा हुआ वो। और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि स्वर श्रृंगार इस नाम का कार्यक्रम बेचा रहे थे कि मैं इसको बनाऊं और कलाकार के रूप में एक बायलिंगुअल यानी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में मैं एक वार्तालाप इस्टेब्लिश करूं। ये दूसरा एक बहुत बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था वर्ल्ड स्पेस के साथ, क्योंकि ये मुझे हमारी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, उनसे जुड़ने का मुझे मौका मिलता था, और फिर से हम उनकी बातों को हम समझ सकते थे क्योंकि चिट्ठियों के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा हमें पहुंचाई जाती थी बातें। अभी प्रेजेंटली कुछ सालों से मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से जुड़ी हुई हूं और उनके सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हूं, और इसमें मैंने एक ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन किया है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं गायन एवं वादन के क्षेत्र में, तो उनको ऑडियो विजुअल उनकी रिकॉर्डिंग की है। उनको हम दिल्ली में आमंत्रित करते थे 2-4 दिन उनको यहाँ रहकर जो है उनसे एक ऑलरेडी प्री प्लान्ड वे में कि क्या क्या रिकॉर्डिंग करनी है, यहाँ पर दिल्ली में उसकी रिकॉर्डिंग हुई है और अब उसको प्रचारार्थ करने के लिए उसकी DVDs भी निकाल रहे हैं। तो मुझे एक बहुत अंदर से शांति मिलती है, एक बहुत एक सैटिस्फैक्शन लगता है कि एक कलाकार के रूप में और एक परंपरा से जुड़े हुए कलाकार के रूप में न केवल मैं अपनी कला को समृद्ध बना सकती हूँ और आनंद लेती हूँ अपने ऑडियंस
के सामने प्रस्तुत करने में, पर इसके अलावा मैं एक पुख्ता रूप में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ हमारे जन जन के लिए।